वेरी गुड मॉर्निंग अखिल जी। टैलब्रोज ऑटो, टैलब्रोज मतलब तलवार ब्रदर्स, और एक बहुत पुरानी कंपनी टैलब्रोज ऑटो, वहां से और भी कंपनियां निकल चुकी है। और देखिए इस स्टॉक को मैं काफी सालों से रेकमेंड कर रहा हूँ, और कई बार मैंने जेम्स में 3 बार ला चुका और हर बार टारगेट अचीव होता है। इस बार वापस से एक अच्छे रिजल्ट के बाद जब करेक्टेड लेवल्स पे है, और ऑटो इंसुलेटर्स ऑलरेडी काफी फॉर्म में है, और इनफैक्ट ऑटो इंसुलेटर्स तो पिछले 1-1.5 साल से बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और ये उनमें से एक बहुत ही अग्रणी कंपनी है। और अग्रणी होने का रीजन भी है, एक तो स्ट्रॉन्ग पेडिग्री 1956 से कार्यरत है, और कंपनी के काफी सारे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है विद रेनाउंड प्लेयर्स और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। जो मैं उनके वेबसाइट भी देख रहा था, फिजन भी देख रहा था, और चेयरमैन साहब को भी पढ़ा, तो देखा कि देखिए इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब एक इटली में 50-50 जॉइंट वेंचर चेसिस बिजनेस के लिए किया हुआ, रबर कंपोनेंट्स एंड हॉर्सेस बिजनेस के लिए एक जापान की कंपनी से, मोरोको जापान से किया हुआ है, और जो मैं चेसिस वाला बोला सिस्टेमिंग से किया हुआ है। फिर हर जगह कैपेक्स लो होता है और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी काफी फोकस करती है, मतलब 85% के लगभग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है। और गैस्केट्स डिवीजन की अगर बात करें तो वहां पे इनकी 40-50% कंट्री में मार्केट शेयर है, विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। और फोर्जिंग्स डिवीजन से इनका करीब 34% के लगभग रेवेन्यूज आते हैं। और प्लांट्स की अगर बात करें तो काफी अच्छा इन्होंने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, करीब 2 प्लांट्स है इनका, फरीदाबाद में, एक पुणे में, एक सितारगंज में यूपी में, और मटेरियल्स डिवीजन है सोना में, और बवल में भी इनका ही है। तो ये सब तो इनके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। लीडरशिप भी अगर देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सबको, टाटा मोटर्स, इन सबको ये लोग मुहैया करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो सिर्फ 600 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 12 का पी मल्टीपल है सिर्फ, 18-19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और डेट इक्विटी रेशियो भी जनरली जब कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो तो जनरली डेट्स लेते हैं, बट वो भी बहुत ही कम है, 0.30-0.40 के नीचे रहता है, तो मुझे वो जनरली ठीक लगता है। और हम दूसरी अगर बात करें तो पिछले 3 साल की, 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर है वो 30% के लगभग रही है, और 5 साल की अगर सेल्स की कैगर है तो 13% के लगभग, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में भी सस्ता लगता है स्टॉक। और मैं पियोत्रोस की स्कोर एक होता है जो मैं बहुत कम बार बात करता हूँ टीवी पे उसके बारे में, वो भी बहुत इंप्रेसिव है, 9, मतलब एनीथिंग अबव 6 इज लाइक गुड, तो ये 9 पे है वहां पे, उसमें सारे कई सारे ऑपरेटिंग लेवरेजेस और सारी चीजें देखते हैं, उसमें एक ही स्कोर में कई चीजें पता चलती है। और अब मैं आता हूँ सेप्टेम्बर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आया है, मतलब 11 करोड़ के पैट के सामने 13 करोड़ का पैट, और ETM बेसिस पे हाईएस्ट है, करीब 50 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 59% तो देखिए प्रमोटर्स के पास है, FIIs, DIIs बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम उसमें शुमार है, जैसे कि केडिया जी का, विजय केडिया जी का नाम है, वो 2.27 होल्ड करते हैं, फिर डॉली खन्ना जी, अगेन वेरी इंप्रेसिव नेम, 1.22% उन्होंने लास्ट क्वार्टर में बढ़ाया है। तो इन सबको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, आराम से 560-570 के टारगेट्स के लिए खरीदिए। रिसेंटली ये स्टॉक 658 भी जाके आया, उसके बाद करेक्ट हुआ मार्केट्स के साथ, तो इसलिए 560-570 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है। ओके, तो ये है आपके लिए टैलब्रोज ऑटो, जहां पर खरीदारी करने के लिए 560 और 570 के टारगेट के लिए।